प्रश्न पहला के सवालों को हल किया था, आज हम प्रश्न दूसरा के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न दूसरा में लिखा है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिया हुआ है। इन 5 प्रश्नों के बनाने का तरीका एक जैसा है, आपको कोई भी 2 सवाल बताया जाएगा। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में लिखा है, जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3, पी एक्स बराबर एक्स घात 3 ऋण 4 एक्स वर्ग धन एक्स धन 6। चलिए इसको हल करते हैं। दूसरा का पहला है, जी एक्स दिया हुआ एक्स ऋण 3, जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3, पी एक्स बराबर एक्स घात 3 ऋण 4 एक्स वर्ग धन एक्स धन 6। ये प्रश्न में दिया हुआ है। गुणनखंड प्रमेय के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यदि कब होगा, जब हम एक से 3 बराबर शून्य मानेंगे। एक से 3 बराबर क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो पक्षांतर कर देने से एक्स बराबर हमको 3 मिलेगा, अतः पी एक्स का एक शून्य होगा। अब क्या करेंगे, हम पी एक्स में मार देंगे, पी यहाँ मार रखेंगे, ध्यान रखेंगे पी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे 3, 3 के घात 3 ऋण 4, 3 के घात 2 धन 3 धन 6। ये इस तरह से हम वहाँ पर मार दिए। 3 का 3 बार गुणा करने से हमको मिलेगा 27, ऋण 4 3 का 2 बार गुणा करने से हमको मिलेगा 9 धन 3 धन 6। 27 ऋण 9 चौक 36 होता है, धन 3 धन 6। धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ देंगे, जिसमें आपका 6 3 9 और 27 और 9 होता है 36। ऋण 36 पहले से दिया हुआ है, 36 में 36 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0। अतः P3 बराबर हमको क्या मिला, 0 मिला। इसलिए हम कह सकते हैं जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसी तरह से बाकी सवालों को भी हल करेंगे। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ऐसा मानते हैं, कब, जब पी एक्स का मान शून्य प्राप्त होता है। गुणनखंड प्रमेय में आप लोगों को बताया गया था। इसी प्रकार सभी सवाल बनेंगे। इनमें से एक सवाल आपको और बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक अब इसमें हम चलते हैं तीसरा की ओर, जिसमें जी एक्स बराबर एक से ऋण 2 दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक से घात 4 ऋण एक से घात 3 ऋण एक से घात 2 ऋण एक्स ऋण 2। अब हम पता करते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक तीसरा में जी एक्स बराबर एक से ऋण 2, पी एक्स बराबर एक से घात 4 ऋण एक से घात 3 ऋण एक्स वर्ग ऋण एक्स ऋण 2, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यदि एक से ऋण 2 बराबर शून्य हो, अर्थात जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर हमको 2 प्राप्त होगा, जो एक शून्य होगा। अब इससे पहले जैसा हमने बनाया था, पी जहाँ जहाँ एक्स है प्रश्न में, पी एक्स बराबर पी जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे 2, 2 का घात 4 ऋण 2 का घात 3 ऋण 2 का घात 2 ऋण 2 ऋण 2, 2 का घात 4 अर्थात हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ऋण 2 घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घात 2 का मतलब हो जाएगा 4 ऋण 2 ऋण 2। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या है सबको जोड़ देंगे, 2 2 4 4 8 और 8 16, 16 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, कितना बचेगा, 0। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल पहले सवाल की जैसा है, केवल आपको ये 2 लाइन आपको याद रखना है कि गुणनखंड प्रमेय से यदि हम एक से 2 या जो भी प्रश्न जी एक्स दिया रहेगा उसके बराबर शून्य मानेंगे, पक्षांतर करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, पी एक्स में रख देंगे, शून्य मिलता है, शून्य प्राप्त होता है, तभी वो गुणनखंड है अथवा नहीं। इसी प्रकार हम बाकी सभी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। मैंने आपको पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल करके बताया है, आप लोगों को बाकी दूसरा चौथा और पाँचवा को हल करना है। प्रश्न आप सबको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, प्रश्नों को आप लिख लेंगे, जिनके पास पुस्तक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इन प्रश्नों को कॉपी में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल ये समझा कि हमने जांचा कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो आज का आपका होमवर्क है, प्रश्नावली 2 से
प्रश्न क्रमांक दो, दो से दूसरा, चौथा, पांचवा को हल करके रखना है या हल करना है। यदि इनमें से कोई सवाल जो आपको बताया गया है ना समझ में आया हो तो आप पुनः कमेंट करके उन प्रश्नों को जो आपसे नहीं बन रहा है दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास यही संपन्न होता है। धन्यवाद।